हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में पंखे से आवाज़ आता है, यानी कि जब आप लोग यहाँ पे इसको चालू कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पंखे से आवाज़ आता है बहुत ज़्यादा, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग अपने पंखे को साफ़ कर दीजिए। कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा धूल वगैरह यहाँ पे पंखे में जम जाते हैं, तो इसके वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आप लोग पंखे को साफ़ करिए अच्छे से, और यहाँ पे जो उसका मतलब कि जो भी ब्लेड है तो उसको भी चेक कर लीजिए। कभी कभी हो सकता है कि ब्लेड में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया हो, ठीक तरीके से ना लगा हो, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि पंखे के बियरिंग में प्रॉब्लम आ गया हो, तो यहाँ पे आपको उसको चेक करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो ख़राब हो चुका हो, पुराने होने के कारण यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, तो उसको भी चेक कराना पड़ेगा। तो इन सभी के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। और कभी कभी जो है मोटर का प्रॉब्लम भी आ सकता है, यहाँ पे फैन में मोटर वगैरह लगे रहते हैं तो उसका भी इशू यहाँ पे आ सकता है। और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे वायरिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक से यहाँ पे वायरिंग ना हुआ, तो ये सभी जो है इसके प्रॉब्लम है यहाँ पे आ जाते हैं इस वजह से। तो आप लोग यहाँ पे ये सभी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और कई बार जो है कैपेसिटर में जो है प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग उसको चेंज करवा सकते हैं, इजीली चेंज हो जाता है, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है चेंज करना, तो आप लोग अपने आसपास के जो भी रिपेयर वाले होते हैं उसको बुला के करवा सकते हैं। तो यहाँ पे यही सभी चीज़ें इसके कारण हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बार आप लोग ये भी चेक कर लीजिएगा, स्क्रू और नट बोल्ट को भी चेक कर लीजिएगा। कभी कभी यहाँ पे हो सकता है ढीला होने के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ये सभी दोस्तों आपको चेक कर लेनी है, जिसके बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।